या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मुहे हरहु कलेश विकार। समस्त श्रोता बंधु, आज हम त्रिमूर्ति होम वीडियो आगरा के माध्यम से आप तक एक बुंदेली लोक कथा पर आधारित हनुमान शनिचर की लड़ाई हम आप तक पहुंचाने को प्रयास कर रहे। आज अवल की विश्वास है कि आप अवश्य स्वीकार करो ये कथा की लाने। सुनो आप, जैसे हमारे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखो है रामचरितमानस में, देखो आप, महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना का। एक बार इंद्र लोक में जब दरबार लगो, इंद्र देवता के दरबार में जब कई देवता सब तरह के देवता बैठे हैं दरबार में, देखो अब इंद्र लोक दरबार में प्रश्न उठा एक बार, सब देवता आपस में विचार करने लगे। एक देवता ने प्रश्न करो, हमें तो एक बात समझ में नहीं आती, देखो कौन सी बात, कौन शक्तिशाली अधिक कहो स्वमति अनुसार। समस्त देवता इंद्र के दरबार में सब बैठे हैं, आपस में चर्चा होने लगी, विचार होने लगे, जा बताओ हम देवतन में सबसे शक्तिशाली देवता कौन है, सबसे शक्तिशाली देवता कौन है। जब ऐसी बात उठी तो अलग अलग देवता अपनी अपनी बात सामने रखने लगे, कौन कहीं वे हैं, कौन कहीं वे हैं, कौन कहीं हमारे गांव में है वे और ज्यादा है। देखो अब प्रत्युत्तर में देवों ने बतलाए कई नाम, लेकिन जब सबकी चर्चा भाई उनने की हमारे तेवे हैं नहीं हमारे तेवे हैं, तो इतने में देवतन में से शनिदेव खड़े हो गए। प्रत्युत्तर में देवों ने बतलाए कई नाम,
सनी बोले हम सो नहीं जग में को बलधाम। जब सनी देवता उठे और सनी देवता बोले तुम सब ऐसी ऐसी बात करत, तुम सब अपनी अपनी ऐसी बात करत, लेकिन हमारे जैसो बलवान संसार में है का को है बताओ। इसी बात पे छिड़ गया भारी बात विवाद, क्योंकि कथन सनिदेव का हो गया बेबुनियाद। देवतन की चर्चा चल रही, जब सनिदेव उठ के खड़े हो गए बोले हम जैसो को है का दुनिया में, हम जैसो को नहीं है संसार में, सबसे ज्यादा बली हम ही, हमसे ज्यादा कोई बड़ो है ही नहीं है, हमसे ज्यादा बलवान को नहीं है, हमसे ज्यादा ताकतवर को नहीं है। और जब सनिदेव अपने मुंह से ई तरीका की बड़ाई करने लगे, देखो आप कब सनिदेव खड़े हो गए बोले सबसे बड़े हम हैं संसार में। अब तो देवता ठहाका मार के हंसे, जैसे ही देवता ने ठहाका मारो देखो कितनी बढ़िया बात है, सुनो आप क्या बोले देवता के हसन लगे तब सबई देवता, सुन के सनी चर की बानी। सब देवता हसन लगे बोले अरे सनी चर, सनी देव महाराज हसन लगे तब सबई देवता, सुन के सनी चर की बानी कि जैसे आओ बने रहो तैसे बनो न इतने अभिमानी। जैसे आओ बने रहो तैसे बनो न इतने अभिमानी, हाँ। जैसे आओ बने रहो तैसे बनो न इतने अभिमानी। शनिचर की जब बात देखी, सनी देवता की जब ऐसी बात सुनी, देखो आप सब देवता हसन लगे ठहाका मार के बोले हसन लगे तब सबई देवता, सुन के सनी चर की पानी कि जैसे आओ बने रहो तैसे बनो न इतने अभिमानी। तुम अपने मुंह से अपनी इतनी बड़वाई कर रही है, तुम्हें घमंड है, इतने अभिमानी बन रहे, तुम्हें मालूम नहीं है कि जो संसार में अभिमान करे तुमको क्या होता, अपने मुंह से तुम अपनी बड़ाई करने। देखो देवतन की बात हो रही है आपस में, देखो अरे अभिमानी दस कंधर हो गौ जल गई सोने की लंका, कुटुम सीज गौ तो हमें काय की है शंका। पता नहीं है का जानत नहीं है कई बात गिलाने के अभिमानी दस कंधर हो गौ जल गई सोने की लंका, और कुटुम सीज गौ तो हमें काय की है शंका। चपे रहे लंका की भीट में अब सो हो गए रण बंका। देवता बोले सनी देव से तुम्हें पता नहीं आका है ऐसे ही रावण अपनी अपनी बड़वाई करत तो बड़ा अभिमान है, तो तुम्हें पता नहीं आका जब तुम चपे रहे लंका की भीट में अब सो हो गए रणबंका, और जितना भीड़ो परे वीर से मिट जे है छंका मंका। हमसे तुमसे तो कई कीने, अरे सनी देव
ना तुम लग रहे ना हम लग रहे। गाय हमसे तुमसे तो कई कीने पड़न पड़न की भई हानि, जैसे आओ बने रहो वैसे, जैसे आओ बने रहो तैसे, बनो न इतने अभिमानी। देवता सनी देव, अभिमान की बात, घमंड की बात, और तुम अपने खुद मुंह से कह बताओ, देवतन में गिनती है फिर भी ये तुम अभिमान। दूसरी बात देखो, तुम्हें अभिमान के बारे में जानकारी नहीं है, पता नहीं है कि दुर्योधन ने गर्व करो तो हते बगीचा हरे भरे, पता है दुर्योधन ने कितनों घमंड करो तो क्या अपनो हरो भरो बगीचा, अपने कुल को, खानदान को, अपने परिवार को तनक में उजार कर धर लो। दुर्योधन ने गर्व करे थे हते बगीचा हरे भरे, तो सबरी ठसक धूर में मिल गई कुरुक्षेत्र में लरे मरे। दुर्योधन ने गर्व करे तो हते बगीचा हरे भरे, सो सबरी ठसक धूर में मिल गई कुरुक्षेत्र में लरे मरे। अरे मन की भई, मन में अगर तुम्हारे को ठसक होए ना तो एक काम करो, अरे मन की भरी मनई में रंदो बोल न बोलो खरी खरी, और कर्म अभागी कल्प वृक्ष के नेचे रोवे परे परे। ऐसे हमें ऐसा लगा कैसे हो, अरे जग में अमर नाम हो जावे, संसार में ऐसे ना हो तो अपनी ठसक भरी बातें कर करके, घमंड करके, अपमान करके, ऐसे संसार में काऊ को ना हो। देखो हम बता रहे ना कैसे हो, सुनो आप कैसे हो। जग में अमर नाम हो जावे, बोलो भजन मीठी बानी, जैसे आओ बने रहो तैसे, जैसे आओ बने रहो तैसे, बनो ना इतने अभिमानी। सुनो आप, जब देवता सब बोले सनी देव से के देखो अपने मुंह से अपनी बड़वाई नहीं करी जा, तुम्हें शर्म नहीं आऊ अपने मन से। देखो सुनकर देवों के वचन करन लगे सनी कोप, अब तो सनी देव कहे ऐसो गुस्सा आओ, ऐसो गुस्सा आओ, बोले अगर ऐसी बात है तो सुनो, जो बलशाली होए सो लर लेवे प्रण रूप। सनी देव खा बिल्कुल लाल मोह हो गए क्रोध के मारे, गुस्सा के मारे, बोले अगर ऐसी बात कर तो जी में हिम्मत हो दम हो सो आओ हमसे लड़ लो। देखो आप हाँ, सनी देव की बात है। अब देखो आप, जब इंद्र को दरबार लगो, इंद्र के दरबार में ऐसी बातें हो रही, वो ऐसी बातें हो रही, सनी देव बड़े लाल बिल्कुल नाराज हो गए, ठाड़े हो गए सभा में। इतने में काब हो इंद्रलोक के दरबार में जब नारद जी पधारे, और जैसे ही नारद जी आए तो पूरी सभा में ऐसे लगो जैसे कौन हुए का एक प्रकाश ऐसा होगा, हो ज्योतिर्मय प्रकाश,
एक आएगा जब प्रकाश दिखानो, वो प्रकाश के संगे एक आवाज सुनानी, देखो काय आवाज सुनानी, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, देखो समस्त देवता खड़े हो गए। समस्त देवतन ने जब देखो इंद्रलोक के दरबार में, सामने से नारद जी चले आ रहे और नारायण नारायण कहत भाई चले आ रहे, बिल्कुल हाथ में वीणा लाए। अब सब खड़े हो गए, सबने खड़े होकर नारद जी को स्वागत कर, देखो अब सब बोले हाथ जोड़ के, महाराज आज नारद जी पधारे, हमारे भाग बड़े धन्य हैं। काहे के एक बात है ना, नारद जी को दर्शन जी के लाने भी हो जाए फिर गारंटी है ही बात की कि फिर भगवान के दर्शन हुए हो थे, जिन्हें भी नारद जी के पहले दर्शन कर ले। सब देवता खड़े हो गए, देखो आप क्या बोले, के दर्शन दे आज मगन भये देवराज, सबई देवता कर जोड़ के खड़े। हाँ बहुत अच्छी, दर्शन दे आज मगन हुए देवराज, सबई देवता कर जोड़ के खड़े, महाराज मोरे भाग हैं बड़े, 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 महाराज मोरे भाग हैं बड़े। नारद जी खड़े हैं नारद जी के सामने, सब बोले महाराज आज हमारे भाग धन्य है कि आपके दर्शन हो रहे। देखो सब खड़े हो गए, बोले हर दर्शन दे आज मगन हुए देवराज, सबई देवता कर जोड़ के खड़े, महाराज मोरे भाग हैं बड़े, महाराज मोरे भाग हैं बड़े, महाराज मोरे भाग हैं बड़े, आसन पे बैठा रो पूछी फुसलाई। महाराज जी आसन ग्रहण करो, अरे आसन पे बैठा रो पूछी फुसलाई, अरे इतने में करन लगे सनी निज बढ़ाई, इतने में करन लगे शनि निज बढ़ाई। नारद जी बिचारे बैठ नहीं पाए, शनि देवता चालू हो गए, बोले नारद जी आप बताओ, जे सब कहते हम बलवान, जे बलवान, बोले हमसे कैसो को है का ही दुनिया में, हमसे बड़ो को है बलवान है, वो है ताकतवर हमसे ज्यादा। अरे इतने में करन लगे शनि निज बढ़ाई, बोले शनिदेव जे जाने माने जे लबरा
धरे हैं हमें तकरा से इनका गड़े। महाराज मोरे भाग हैं बड़े, महाराज मोरे भाग हैं बड़े, महाराज मोरे भाग हैं बड़े। देखो अब इतने में का भाव, नारद जी के सामने शनिदेव खड़े हो गए, बोले महाराज हम तो इन्होंने हो ककरा से गड़त। हाँ ककरा गड़त नहीं है, अरे अपने पांव हो फिर गड़ जाए ककरा तो समझ में आओ। तो बोले हम ऐसे ही इनके लाने गड़त, का हम पहलवान है ना है? हम बलवान है, हमसे ज्यादा कोई देवता बलवान नहीं है, हम इनके लाने गड़त है। जे सब हमारी बात ही नहीं सुना। देखो अब नारद जी तो बेचारे नारायण नारायण कर बैठ गए। अब नारद जी बैठे बड़ी शांति से, नारद जी बोले अच्छा तुम सुनो, पहले हमारी बात सुनो। सब देवता बैठे हैं, शनि देव खड़े हैं, लाल हो रहे। नारद जी बोले सुनो शनि देवता, ऐसी बात है। बोले नारद सुनो शनि, हाँ बोले बोले नारद सुनो शनि, अरे अपनी तपनी जान बनी। बोले नारद सुनो शनि, अपनी तपनी जान बनी। बोले नारद सुनो शनि, अपनी तपनी जान बनी। बोले नारद सुनो शनि, अपनी तपनी जान बनी। शनिदेव एक बात तो है यार, बोले ऐसा है जा बात तो खैर नहीं जमी का है कि अपने मुंह से तुम अपनी बड़ाई कर रहे। जा बात तो हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, अपने मुंह से तू अपनी बड़ाई करा थे। देखो का कपटी क्रूर कुटिल पाखंडी। बोले नारद जी तुम्हें पता है अपनी स्वयं की बड़ाई को कर। कपटी क्रूर कुटिल पाखंडी, स्वतः बड़ाई करे घमंडी, स्वतः बड़ाई करे घमंडी। जो अपने आप बड़ाई करे वो घमंडी मानो जाए। अब हमें ऐसे लगा कि तुम्हें जो घमंड हो गो तो ही घमंड में कुछ ना कुछ भैया तनातनी तो हुई है। बोले नारद जी हमें ऐसा लग रहा हो, लगत के होने तनातनी, लगत के होने तनातनी, अरे अपनी तपनी जान बनी। शनिदेव देखो अहंकार की बात अपने मुंह से बिल्कुल अच्छी नहीं होती, अहंकार की बात। काहे हम तुम्हें आज समझा रहे हैं लेकिन हम ही बात जाना थे, हमने करके देख लो, करके देख लो हमने। काहे
अहंकार मय भाषण की गे अहंकार मय भाषण की गे काय के भुक्त भोगी हम की के काय के भुक्त भोगी हम की के हाँ हम बिल्कुल भुक्त भोगी हैं हम जाना सही बात के लाने लेकिन सही बात का है संसार में भजन सजीवन मूर मनी समझ रहे भजन सजीवन मूर मनी अरे अपनी तपनी जान बनी बोले नारद जब नारद जी ऐसी बात बोले शनिदेव से दरबार में इंद्र के दरबार में बोले यार हमें जा बात जमी नहीं है तो भाई बताओ अपने मुहे अपनी आप बड़ाई करे तुम अपने मन से शर्म नहीं लाओ तुम अब शनिदेव ठाणे भाई शनिदेव बोले नारद जी महाराज तुम हमारी कैसी काय खा के हो तुम तो इन्होंने जैसी के हो जैसे सब जने जी हमारे विरोधी है सोने के संग तुम विरोधी हो गए हमें लगत के जिते जिते तुम जात होते कछु न कछु गड़बड़ होते ही है आज इतने आप आ गए इतने भी कछु गड़बड़ हुई है निश्चित देखो आपका बोली शनिदेव बोले नारद जी महाराज जिते जिते पग परे तुम्हारे बेघर बारा बाट करे अरे तुमने ऐसे धरे धरे जिते जिते पग परे तुम्हारे बेघर बारा बाट करे तुमने ऐसे धरे धरे शनिदेव नारद जी से बोले महाराज धन है आपके लाने तुम ऐसे ही ऐसे धरे रहत के जी में कछु ना कछु हाँ परेशानी होती है ठाड़ी देखो तुमने ते देखे उस कीरा मिटवा दे क्यों मन के डेरा तुमने ते देखे उस कीरा मिटवा दे क्यों मन के डेरा तेरे दसई दिशन में घेरा तुम्हें महाराज जीव काम है दसई दिशा में घूम रहे और केवंगन के घर मिटवा दे और केवंगन के बनवा दे देखो शनिदेव बोले नारद जी से अब भाई नारद जी ऐसे बोल गए नहीं नारद जी ने सही बात कह रही सोचे विरोधी हो गए देख बोले शनिदेव बोले महाराज हमें पता है कि तुमने क्या करो के भैया से भैया लड़वा दे देखो अरे भैया से भैया लड़वा दे पिता पुत्र से लड़े मरे तुमने ऐसे धरे धरे शनिदेव बोले नारद जी हम जानत तुम्हें बताओ तो हमारे मन की बात नहीं कह रहे नारद जी ने शनिदेव का के मन की बात नहीं कही सो शनिदेव देखो बोले हम जानत तुम्हारे नारे देखो का है तुमने ते देखे पर कम्मा लड़वा दे भनेज और मम्मा तुमने ते देखे पर कम्मा लड़वा दे भनेज और मम्मा तुमसे हार मान गए ब्रह्मा
तुम्हारे बोले हाथ जुड़त हम, तुमने कहा है का करवा दो काय ऐसे हो तुम, हम जाना तुम्हारे लाने। पीटे एक बात पचेना, पीट में एक बात पचेना, इतने डंडे दुते करे तुमने ऐसे धरे धरे। शनिदेव बिल्कुल शनिदेव नाराज जी से भी काय भाए हो रहे, काय भाए हो रहे, बिल्कुल नाराज हो रहे, नाय की माए आंखें फेर रहे, बोले हम जाना था तुम्हारे लाने महाराज। देखो आपका जना, अरे जो को माने तुम्हारी शिक्षा, ऊखा परे मांगने भिक्षा, जो को माने तुम्हारी शिक्षा, ऊखा परे मांगने भिक्षा, अपन ली तो हो कठिन परीक्षा। सो बातन की एक बात है, बोले नारद जी हम जाना थे तुम्हारे लाने काय। सोबातन की एक बात है, भजन गुरु बिन कौन तरे, तुमने ऐसे धरे धरे। जी ऐसी बात बोले, ध्यान दियो अब, जब नारद जी ऐसी बात बोले, अब तो समस्त देवता इंद्रलोक में हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले महाराज इनके माँ तो बड़ी आफत है, इन शनिचर महाराज के माँ शनि देव के माँ बड़ी परेशानी है, अब तो महाराज आप ही बता दो, वास्तव में शक्ति परीक्षक आप ही हो जो सही बता दो, आपके संसार में को है भी। सामूहिक स्वर में उठी देवगिरा गंभीर, नारद जी बतलाए दो तुम शक्ति परीक्षक भी। हे महाराज, इन समस्त देवतन में सबसे बड़ो, हाँ सबसे वीर, सबसे बलवान, सबसे ज्ञानवान, तेजवान, बुद्धिमान कौन ऐसा देवता है जो सबसे ज्यादा बलवान हो हर बात में। हाँ, देखो अब नारद जी बोले, अगर तुम सब सुनो तो हम एक बात बताओ, इंद्र लोक में इंद्र के दरबार में सब देवता शांत बैठे, अकेले शनि देव पे नहीं गुठकी जा रही, बेठाने बेठाने बड़े क्रोध में लाल आंखें करें। देखो अब नारद जी क्या बोले, बोले नारद जी के बल में विशाल हनुमंत लाल, जिन पर दयाल त्रिभुवन स्वामी, श्री राम भक्त सच में विरहित प्रतिमा प्रशस्त योद्धा नाम। तक हमने जितने देवता देखे, हमारे निचोड़ में केवल एक ही ऐसे देवता हैं, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज। देखो आप कैसे हैं,
अरे बल में विशाल हनुमंत लाल जिन पर दयाल त्रिभुवन स्वामी श्री राम भक्त सच में विरक्त प्रतिभा प्रशस्त योद्धा नामी देवताओं से कि अगर तुम्हें सबका देखने हैं तो आज हमारे संग में चलो, लेकिन अगर हृदय में विश्वास है और लगन है तो हमारे साथ चलो हनुमान जी के पास। एक बात और बताएं आपका, हनुमान जी के पास जब जाओ तो लगन और विश्वास लेके जाओ। देखो आप गाय, संसार में सारी चीजें नष्ट हो जाती है, लेकिन बंधुओं एक बात बताएं आपका, विश्वास कभी नष्ट नहीं होता। देखो आप कैसे, चलो उनके पास कर लो प्रयास यदि हो विश्वास प्रण में पक्के, चलो उनके पास कर लो प्रयास यदि हो विश्वास प्रण में पक्के, मत बनो क्षुद्ध क्यों होते क्रुद्ध कर ले वो युद्ध छूटे छक्के, मत बनो क्षुद्ध क्यों होते क्रुद्ध कर ले वो युद्ध छूटे छक्के। विशाल हनुमंत लाल जिन पर दयाल त्रिभुवन स्वामी श्री राम भक्त सच में विरत प्रतिभा प्रशस्त योद्धा नामी। देखो सनीदेव, अगर इतने अभिमान की बात तुम कर रहे, इतने घमंड की बात कर रहे, तो हम भी बात का अपने विश्वास के साथ कह रहे, लगन के साथ विश्वास के साथ कह रहे कि उनके सामने जाए से तुम्हारा अभिमान बिल्कुल चूर चूर हो जाए। देखो अब चूर्ण चूर्ण हो जाएगा शनि तेरा अभिमान, इतना कहकर चल दिए नारद किया प्रस्थान। जितने भी देवता हैं सब देवतन में हमारे निचोड़ में केवल एक ही देवता ऐसे हैं अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज। कह दिया इस बात को नारद जी ने कह दिया और मन में गाते चले, श्रीमन नारायण 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 श्री
सुनो अब, नारद जी ऊ दरबार से ऐसो कात भय चले गए, भाई देखो हमारे विश्वास में हमारे हमने जो बात देखी ऊ में हमें अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी ही ऐसे लगे कि जो देवतन में सबसे अग्रणी है, इतनी बात कह के चले। अब देखो अब जब शनिदेव ने सुनी हनुमान, शनिदेव ने सोची मन में हनुमान जी एट ऐसा नहीं हो सकत, हम नहीं मान सकत, हम नहीं माने बात के लाने। देखो आप का भाव, अरे हाले फूले शनिदेव जी गए हनुमत के पास मनोरंजन भोरा, हाले फूले शनिदेव जी गए हनुमत के पास मनोरंजन भोरा, हाले फूले शनिदेव जी गए हनुमत के पास मनोरंजन भोरा, हाले फूले शनिदेव जी गए हनुमत के पास मनोरंजन शनि महाराज अब पहुंचे हनुमान जी के सामने, हनुमान जी के पास जैसे शनिदेव पहुंचे, शनिदेव बोले देखो आप, बोले हनुमान मैंने सुनी वीर तुम नामी हम सो को योद्धा बल धामी लड़ लो की मैं कितनी खामी। शनिदेव हनुमान जी के आगे बोले एक काम करो, हमने जहां सुनो तुम्हारा नाम बहुत बड़ो है, अब एक ऐसा करो तो तुम हमसे लड़ लो आज। मैंने सुनी वीर तुम नामी हम सो को योद्धा बल धामी लड़ लो की मैं कितनी खामी। आज आए काम नहीं करो, आज हमारी तुम्हारी लड़ाई हो जान दो, अच्छा जो ही पता पड़ जाएगा तुम बलवान हो गए हम बलवान हो। हनुमान जी के आगे ताल ठोकर लगे, देखो आप ताला ठोक रहे, उनके लिए ताला ठोक रहे जिनके आगे का उन्हें ठोक नहीं पाई। देखो शनिदेव बोले अरे दम हो गए तो भर दो हामी, हनुमान अरे दम हो गए तो भर दो हामी भजन राम के दास मनोरंजन भोरा। बोले हनुमान देखो मैंने सुनी वीर तुम नामी हम सो को योद्धा बल धामी लड़ लो की मैं कितनी खामी। ठोक रहे ताल, आओ लड़ लो आज, अब तुम पहलवान होगे हम पहलवान है, तुम बलवान होगे हम बलवान है। देखो आप बोले अरे तम हो बे तो भर दो हामी भजन राम के दास मनोरंजन भोरा। कितनी अच्छी बात, जब शनिदेव जी हनुमान जी के आगे ताल ठोकन लगे बोले आओ, हाँ बोले आज हो जाए हमारी तुम्हारी सब जाने बड़वाई करा, हमारी को कहात नहीं है, और बोले हे हम सबसे ज्यादा बलवान है। हाँ, देखो जे देखो भाव कितनी सुंदर बात है। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी बोले भैया एक काम करो, तुमने हमें काय खा चुन लो का और देखते और काउ खा देखो इमें सार है। देखो कितनी अच्छी बात बोले,
हंस के कहन लगे बजरंग के अब बारई ना हमें उमंग। हंस के कहन लगे बजरंग अब बारई ना हमें उमंग। सनी देवे काम करो तुम और काम के ढूंढ लेते काय हमने जोन पहला कर दो जो हम कर चुके हैं। अब बाबा थोड़ी नहीं देखो हमारी देखो अब हमारा वो समय नहीं ना हम पहले कर चुके लंका पे विजय प्राप्त करी रावण से लंका जलाई रावण की कहानी करो देखो। लेकिन अब भैया एक काम करो के हंस के कहन लगे बजरंग अब बारे ना हमें उमंग। हंस कान लगे बजरंग अब बारे ना हमें उमंग। शनिदेव तुम में ऐसी बात कैसे आ गई? बोले तुम्हें मालूम नहीं है? बोले हमें नहीं खेचो तो लंका में जब तुम उल्टे टंगे थे भूल गए थे। पहला जैसी हिम्मत रहीना नैया सार लरे में, पहला जैसी हिम्मत रहीना नैया सार लरे से, उतना सो लंका में हमने खेचो भीट तरे से। भूल गए का उतना की बात है? जब उल्टे लटके थे भीट पे, अरे पहला जैसी हिम्मत रही ना नैया सार लरे से, उतना सो लंका में हमने खेचो भीट तरे से। अब तो चढ़ो राम रस रंग अब बारैना हमें उमंग। जवानी को रंगा बताए जो समय हमारा उखड़ेगा वो तो हमारी बुढ़ापे की अवस्था है। हाँ देखो, बोले हनुमान जी अब सो लग गो बेरी बुढ़ापो लर न सको ई डर से, अब जो लग गो बेरी बुढ़ापो लग न सको ई डर से, उतना तुम्हें पतो पर जे है जितना विदो जबर से। अरे हमारे छोड़ो, तुम्हें तो कहू ना कहू विदाई जब ताओ तुम ताल ठोकर तो फिर रहे, हम ना भी देखो दूसरों भी दे तुम्हें समझ में तो आई है जब इतना अभिमानी है, इतना अभिमान है तुम्हारे अंदर, इतना घमंड है, समझ में तो आई है तुम्हें। अब सो लग गो बेरी बुढ़ापो लर न सको ई डर से, उतना तुम्हें पतो पर जे है जितना विदो जबर से। कर लो भजन ज्ञान सत्संग अब बार रही ना हमें उमंग।
महाराज बोले हनुमान जी, बोले शनिदेव ऐसा है कि का हुआ खा देखो, जितना तुम्हें जबर बिल जे समझ में आ जे, घमंड बिल्कुल अभिमान तुम्हारा जो है बिल्कुल चूर चूर हो जे। गाय अब जो लग दो बेरी बुढ़ापो नर न सको ईडल से, और उतना तुम्हें पतो पर जे है जितना बिदो जबर से, कर लो कर लो हद कर लो भजन ज्ञान सत्संग अब बा रही ना हमें उमंग। हनुमान जी की ऐसी बात सुनी, हनुमान जी ने देखो कितनी अच्छी बात बताई शनिदेव किला ने। अब शनिदेव तो बिल्कुल ताल ठोका तो फिर रहे थे, हनुमान जी ने सोची माए हटावे यार का फायदा यार, हाँ ठीक है जाओ यार ठीक है। लेकिन इतने में शनिदेव बोले बकवास करो मत बज रंगी, यदि मुझसे नहीं टकराना है या तो लड़ाई लड़ो, और अगर नहीं लड़ रहे तो बैठूंगा तुम्हारे सिर ऊपर, बल का अनुमान लगाना है। बोले शनिदेव या तो हमसे लड़ाई लड़ो टकराओ, नहीं तो हम तुम्हारे मूड़ पे बैठे तुम्हारे सिर के ऊपर बैठे, आज हमें पतो करने तुम्हारे बल की शक्ति तुम्हारी ताकत को पतो करने कितनी ताकत है। हाँ ई वजह से बोले ना, बोले शनिदेव यदि मेरा भार सहलोगे तो मानूंगा मैं बलशाली है, उल्टी जो सांस लगे भरने तो समझूंगा खोका खाली है। अगर हमारा भार सहन कर ले, हमारा वजन सहन कर ले तो हम समझ लेंगे तुम बलशाली हो योद्धा हो, और अगर उल्टी सांस अगर हपाई भरन लगी ना तुम्हें ऐसी हो, अगर हपाई भरन लगी तो हम समझ लेंगे केवल के भाई के आओ सब होगा तुम्हारा काम है। देखो आप बोले शनिदेव का बोले, अरे हिम्मत हो बे तो कर हमसे रार लो, हिम्मत हो बे तो कर हमसे रार लो, नहीं तो मूड पे बैठार लो, हिम्मत हो बे तो कर हमसे रार लो, नहीं तो मूड पे बिठार लो। शनिदेव बोले हनुमान जी से, अगर हिम्मत हो तो लड़ो और नहीं लड़ रहे तो हमें मूड में बैठा लो। अब देखो कैसी समस्या में बिते हनुमान जी, अब अच्छी आफत है ये लड़न भी नहीं चाहो नहीं तो हम मूड में बैठा। भाई जो जी घमंडी स्वभाव के होते ना जी ऐसा करत देखो क्या, तो उनको काम तमाम करो नहीं तो मैं तुम्हारे मूड में बैठा। ये घमंडी लाल जितेंद्र जी होते सब इनको ऐसा हाल हो, देखो आप कैसे। बोले शनिदेव अरे हिम्मत होवे तो कर हमसे रार लो, नहीं तो मूड पे बिठार लो, हिम्मत होवे तो कर हमसे रार लो, नहीं तो मूड पे बिठार लो। हिम्मत होवे तो कर हमसे रार लो, नहीं तो मूड पे बिठार लो।
सनी देव, सनी देव अब धोसे देवे हनुमान जी क्या चल रहा, नहीं तो हम तुम्हारे मूड में बैठे। अरे धोसे देवे धर्मे बाड़े पाड़े धर में उनके लाने के जी में जी लड़े तैयार हो जाए। और आज हमने पटके लिए फिर हम के नाराज जी से कहो तुम्हारे हनुमान जी कहाँ गए देखो। अरे धोसे दीवे धर में बाड़े लड़वे फिर में आड़े आड़े लड़वे फिर में आड़े आड़े हथ पर बम के ठाड़े ठाड़े। धोसे दीवे धर में बाड़े लड़वे फिर में आड़े आड़े हथ पर बम के ठाड़े ठाड़े। बमक रहे हनुमान जी के आगे बमक रहे लड़वे की रंग देखो कहा बोले सनी देव। अरे भजन लड़ लो या मान हमसे हार लो हनुमान जी, या तो लड़ो नहीं तो कह दोगे हम हारे। भजन लड़ लो या मान हमसे हार लो नहीं तर मूड पे बिठार लो। इतने में हनुमान जी बोले, बोले ठीक है आओ जल्दी बैठ जाओ है? हाँ हम देखत तुम्हें। अब हनुमान जी ने जैसे ही सिर पे सनी का बैठा लो और सनी के ऊपर एक पहाड़ धर दो और एक पहाड़ के ऊपर एक और पहाड़ उठा के धर दो। अब तो सनी के जैसे हाड़ टूटन लगे, दांत पीसन लगे, बत्ती सही दांत, ओ राम मरे जातो राम मरे जाता बचाओ हनुमान जी। अब जैसे ही हनुमान जी ने अपना मस्तक झुकाओ खिसक के पर्वत सो समेत सनी गिरे नेचे, जैसे ही बेहोश हो गए हाथ जोड़ के हनुमान जी से करण लगे बिंतुवाई करण लगे। ओ हनुमान ए हनुमान जी तुम्हारे पांव परे काय कि तुमने मोरे ऊपर धर दो दो पर्वत को भार रे मुँह पे कोनो असर परो ना हम ही बड़े दमदार रे। सनी ने बोले बोले हम ही दमदार हैं। अब बातन बातन में बात इतनी बढ़ गई कि हनुमान ने सनी देव का दो ही घूटन के बीच में बैठा रो भारी लंबी पूंछ बढ़ा के कसकिया गुर्रा मार गए। अब तो सनी देव की जीव जीव कड़े आई ऐसी मार मारी उनकी जीव निकल जा रही हो जद्दा प्राण बचा लो हमारे तुमने हम तो हार मान गए आज से मैंने कान पकड़ ले गलती हमारी क्षमा कर दो। हनुमान जी बोले सुनो एक बात को ध्यान करियो भूल विसर के कहूं काऊ खो ऐसो ना करियो इतना अपमान कहूं ना करियो और एक काम करो जाओ तुम्हारे हड़ौरा तो टूट ही गए तेल चमेली को मंगवा के जाकर शरीर पे लेपन करो लेकिन आज से कर्क राशि से बिल्कुल दूर रहियो। अगर कर्क राशि के सामने तुम आए ना तो ऐसी हमने जैसी गत करी ऐसी फिर करें हम तुम्हारी। बोले सनी सनी देव बोले आज हमने मान ली तुम्हारे पांव पर हमारी गलती क्षमा करो देखो अब बोले सनी मान लई मैंने गलती क्षमा करो श्रीमान कथा विसर्जन इतई है जय हो अंजनी सुत हनुमान। ये कथा चंद्रभूषण पाठक जीवन मंगलमय करती है कवि भजन जगत में चर्चित है यह वीर प्रसवनी धरती है यह वीर प्रसवनी धरती है। बोले वीर बजरंग बली की।